नाउ नेक्स्ट हेडिंग मिलिट्री कॉजेस, सेना से जुड़े हुए कौन से कारण थे सैनिकों से। द सिपॉय सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी वर इल पेड, बैडली हाउस्ड एंड रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड। सिपॉयज यानी सैनिक या सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, वर इल पेड, उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। बैडली हाउस, घर उनका बहुत ही बेकार था। एंड रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड, और धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दे वर लुक्ड डाउन अपॉन बाई देयर यूरोपियन काउंटरपार्ट्स। यूरोपियन काउंटरपार्ट्स यानी जो यूरोपियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में मौजूद थे, उनसे उनको नीचा देखा जाता था। दे वर ऑफन डिनाइड प्रमोशन इवन इफ देयर परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन द यूरोपियन सोल्जर्स। उनके प्रमोशन को मना कर दिया जाता था, यहाँ तक कि जब भी उनकी परफॉर्मेंस यूरोपियन सोल्जर से अच्छी होती थी तब भी उनके प्रमोशन को रोक दिया जाता था। ऑल हाई रैंक्स वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। जितनी भी हाई रैंक्स थी वो सब अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी, यानी केवल अंग्रेज लोग ही उस पर, अंग्रेज लोगों का ही प्रमोशन उस पर किया जाता था। द हाइएस्ट रैंक का सिपाही वुड अटेंड वॉज दैट ऑफ अ सूबेदार। जो सबसे ऊंची रैंक एक नॉर्मल से सैनिक को मिलती थी वो केवल सूबेदार की होती थी। एंड इनसिग्निफिकेंट पोस्ट इन द आर्मी, जो कि आर्मी में इतनी बढ़िया या इतनी फेम मेन जो पोस्ट थी या मेजर पोस्ट नहीं हुआ करती थी। द स्पेशल अलाउंस और भत्ता फॉर इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग इन फॉर ऑफ फ्रंटियर प्लेसेस एंड फॉरेन लैंड्स वॉज स्टॉप्ड। स्पेशल अलाउंस यानी विशेषाधिकार, ठीक है, एक स्पेशल जो राइट होता है जिसे भत्ता भी कहा जाता था, फॉर इंडियन सोल्जर्स भारतीय सैनिकों के लिए, फाइटिंग इन फॉर ऑफ फ्रंटियर प्लेसेस, जो कि जिन्हें बहुत ही दूर के प्लेसेस पे लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है, फाइटिंग करने के लिए। एंड द फॉरेन लैंड्स, विदेशी ज़मीनों के ऊपर जो अटैक करने के लिए भेजा जाता था वो भी भारतीय सैनिकों के लिए रोक दिया गया, ठीक है, यानी उनको एक भत्ता दिया जाता था, ठीक है, अलग से पैसा दिया जाता था जिसमें भारतीय सैनिकों को दूर दराज के इलाकों में या फिर विदेशी ज़मीनों को ऊपर लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था, उस भत्ते को भी रोक दिया गया। मेनी एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ द आर्मी हर्ट द रिलीजियस सेटिमेंट्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। बहुत सारे अंग्रेजों के काम और उनके नियम कानूनों की वजह से भारतीय लोगों की, भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची एंड कॉस्ड मच रिसेंटमेंट, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर नाराजगी फैल गई। द सोल्जर्स वर नॉट अलाउड टू वियर टर्बन्स और टू ग्रो बियर्ड्स। सैनिकों को पगड़ी ना पहनने की और दाढ़ी ना बढ़ाने की आज्ञा नहीं दी गई, वो भी उनसे छीन ली गई। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 फोर्स द इंडियन सोल्जर्स टू ट्रेवल ओवरसीज। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये कानून बनाया था अंग्रेजों ने 1856 में, जिसमें भारतीय सैनिकों को समुंदर पार यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, समुद्र पार भी उनको भेजने के लिए मजबूर किया जाने लगा। अकॉर्डिंग टू सम रिलीजियस ट्रेडिशन, कुछ धार्मिक परंपराओं के अनुसार, द इंडियन सिपॉयज डिड नॉट वांट टू ट्रैवल ओवरसीज। भारतीय सैनिक समुद्रों के पार या समुद्रों के पार ट्रैवल करना नहीं चाहते थे। मैनी बिलीव दैट ट्रैवलिंग ओवरसीज वुड लेड अ लॉस ऑफ कॉस्ट। उनमें से बहुत सैनिक ये विश्वास करते थे कि समुद्रों के पार अगर हम यात्रा करेंगे तो हम अपनी जाति को खो देंगे, ठीक है, ऐसा उनके मन में आता था। इमीडिएट कॉजेस, ठीक है, यानी जब 1857 की क्रांति हुई तो तुरंत कौन से कारण बने उस समय की बात हो रही है, पुराने समय की, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो तुरंत कौन से कारण बने कि इतना बड़ा रिवोल्ट इतनी जल्दी फैल गया। देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल्स 1857 सर्व्ड एज द ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट। एनफील्ड राइफल्स 1857 नाम का एक कानून था जिससे अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कराया, सर्व्ड एज द ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट। यही इसी ने ट्रिगर का काम किया लड़ाई में, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई उसको ट्रिगर करने में, यानी उसको बहुत तेज़ी से फैलने में एनफील्ड राइफल्स नाम का जो 1857 में कानून आया, इंट्रोडक्शन हुआ उससे, उसी से ये रिवोल्ट की शुरुआत हुई। इट वॉज र्यूमर्ड, उसमें ये र्यूमर्ड यानी कह लो आप, र्यूमर्ड बोलते हैं जब कोई झूठी खबर फैलाई जाती है, ठीक है, एक र्यूमर्ड फैला दी गई, एक झूठी खबर यह फैला दी गई कि दैट द कार्ट्रिजेस फॉर दीज राइफल्स, कि इन राइफल्स में जिन गोलियों का, जिन कारतूसों का इस्तेमाल होगा, वर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ग्रीस मेड ऑफ एनिमल फैट। वो एक ऐसी चर्बी से ढकी होगी जो कि जानवरों की चर्बी की होगी, ऐसी ग्रीस से ढकी होगी जो कि जानवरों की चर्बी की होगी, ठीक है। द कार्ट्रिजेस हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बींग लोडेड।
इन कारतूसों को पहले बीटन ऑफ मुंह से काटा जाता था, तब उनको लोड करने के लिए डाला जाता था। दिस वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये जो बात थी ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को के खिलाफ थी, अगेंस्ट थी। द र्यूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ये झूठी खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द एनफील्ड राइफल्स एंड कार्ट्रिजेस। भारतीय सैनिकों ने इन एनफील्ड राइफल्स को और उनकी कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे सिपोई ऑफ 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर रिपेल्ड एंड रिफ्यूज टू यूज़ द एनफील्ड राइफल। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर जगह का नाम है और ये उनकी बटालियन थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसी जगह पर 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि बैरकपुर में थी, वहाँ के एक सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ और एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। दो ही वॉज एग्जीक्यूटेड, हालांकि उनको फांसी पर लटका दिया गया था, लेकिन इट लेड टू रिवोल्ट इन अदर प्लेसेस। ये जो उनका विद्रोह था ये दूसरी जगहों पर भी फैल गया, विच कल्क्यूमिनेटेड इन द ग्रेट अपराइजिंग एट मेरठ, जो कि मेरठ में जो इतनी बड़ी महान विद्रोह हुआ उसका कारण बना, ठीक है। मेरठ में मंगल पांडे की वजह से ही जब उनको फांसी पर लटका दिया गया उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, बहुत बड़ी सैनिकों ने लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। ये रिवोल्ट फैला कैसे, वेट फॉर अ मिनट। क्या कह रहे हैं, द रिवोल्ट स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट फैला कैसे। द रिवोल्ट दैट हैड स्टार्टेड आउट एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रीज कार्ट्रिजेस स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं ये जो रिवोल्ट जानवरों की चर्बी से लगी हुई गोलियों को और एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना किया गया, ये लड़ाई जो है देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलती चली गई। भाई जाहिर सी बात है इसमें आपकी कि जो जानवरों की चर्बी से लगी हुई जो गोलियां थी उनको हिंदूज और मुस्लिम्स लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी, ठीक है। ये र्यूमर फैला दिया गया, ये आपका एक खबर फैला दी गई, झूठी खबर नहीं थी ये जो मैं पहले वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, झूठी खबर नहीं थी, ये रियलिटी में अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है। तो इस वजह से जो है सब इतने बड़े विद्रोह का ये भाई बहुत ही मेन कारण रहा, वरना 1857 की ना क्रांति आ पाती अगर ये सारी चीज़ें ना होती और आज भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने रहते हैं। फिर कह रहे हैं द ग्रेट अपराइजिंग स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 9 मई 1857। जो महान विद्रोह है वो मेरठ में 9 मई 1857 को शुरू हुआ। इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ट्रिजेज एंड रोज इन रिवोल्ट। भारतीय सैनिकों ने इन गोलियों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और लड़ाई में खड़े हो गए। दे स्टॉर्म्ड द जेल, उन्होंने तूफानों को उड़ा दिया एंड फ्रीड अदर सोल्जर्स, और जेल को तूफान से उड़ा दिया, ठीक है, जेल को उड़ा दिया जो भी जेलें थी अंग्रेजों की, एंड फ्रीड अदर सोल्जर्स, और दूसरे सैनिकों को आज़ाद कर दिया। शॉट द यूरोपियन ऑफिसर्स, यूरोपियन अधिकारियों को गोली से भून दिया एंड डिसकनेक्टेड द टेलीग्राफ लाइन्स टू कट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन फॉर द यूरोपियंस, और यूरोपियंस से कम्युनिकेशन करने वाली जो भी फ़ोन टेलीग्राफ लाइन्स थी, फ़ोन करने जो समय के फ़ोन थे उन लाइन्स को कट ऑफ कर दिया।
ठीक है। द रिवोल्यूशनरीज मार्च फ्रॉम मेरठ एंड रीच दिल्ली ऑन 11 मई 1857। जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने लड़ाई छेड़ी थी, इन्होंने मेरठ से यात्रा पैदल शुरू करी और दिल्ली में 11 मई 1857 को पहुंच गए। द स्मॉल ब्रिटिश गैरिसन एट दिल्ली कुड नॉट रेजिस्ट देम। छोटी सी ब्रिटिश की जो दिल्ली में गैरिसन यानी उनकी जो चलो टोली थी अंग्रेज सैनिकों की, वो उनको रोक नहीं पाई। एंड द सिटी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द रिबेल्स। और जो दिल्ली शहर था वो विद्रोहियों के हाथों में आ गया। विद इन टू डेज, दो दिनों तक उनके हाथों में रहा। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द अपराइजिंग। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता डिक्लेयर किया गया। एंड सून द रिवोल्ट कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज फ्रॉम दिल्ली टू बिहार। और जल्दी ही ये जो विद्रोह था, ये जो लड़ाई थी, ये दिल्ली से लेकर बिहार तक के काफ़ी ज़्यादा एरियाज में फैल गई। नाना साहेब वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन कानपुर। नाना साहेब जो थे वो कानपुर में विद्रोह के नेता बने। ही कैप्चर्ड कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा। उन्होंने कानपुर को कब्जे में ले लिया और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। बट हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उनकी ये जीत बहुत ही कम समय के लिए थी। द ब्रिटिश फोर्स रीच्ड कानपुर। अंग्रेजों की जो फोर्स थी वो कानपुर पहुंच गई एंड कैप्चर्ड इट और उसको कब्जे में ले लिया। नाना साहेब एस्केप्ड समवेयर टुवर्ड्स नेपाल। नाना साहेब कैसे भी बच करके नेपाल में भाग गए। तांत्या टोपे वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ नाना साहेब। तांत्या टोपे नाना साहेब के सेना नायकों में से एक थे। केप्ट फाइटिंग, वो लड़ते रहे। बट वॉज इवेंचुअली अरेस्टेड एंड हैंग्ड। और आखिरकार उनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह के नेता बनी। पीपल फ्रॉम ऑल रैंक ज्वाइन द अपराइजिंग। सभी रैंक के लोगों ने इस विद्रोह में अपना हिस्सा लिया या उसको ज्वाइन किया। द रिवोल्यूशनरीज बीसीज द रेजिडेंसी। क्रांतिकारियों ने या कह लो लड़ाई करने वाले या विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। रेजिडेंसी, इसमें अंग्रेज लोग रहा करते थे, उसको कब्जे में ले लिया। एंड किल्ड मोस्ट ऑफ द इंग्लिशमैन। और ज़्यादातर अंग्रेजों को मार डाला, इंक्लूडिंग नोटोरियस इंग्लिश जनरल ओ'नील, जिसमें बहुत ही कुख्यात यानी बहुत ही दुष्ट अंग्रेज सेना नायक था, इंग्लिश जनरल था, अंग्रेजों का जनरल था, जिसका नाम ओ'नील था, उसको भी मौत की घाट उतार दिया। पीपल एंड सोल्जर्स फ्रॉम झांसी रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनीज रूल। लोगों ने और सैनिकों ने झांसी में विद्रोह कर दिया कंपनी के शासन के खिलाफ। एंड आस्क रानी लक्ष्मीबाई टू लीड द अपराइजिंग। और रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि वो विद्रोह को लीड करें, उसका नेतृत्व करें। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई जो हैं 1857 की अपराइजिंग की उसकी लड़ाई के लीडर्स में एक बहुत ही बहादुर लीडर्स के रूप में जानी जाती हैं। कंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन बिहार। राजा कंवर सिंह थे एक, ये बिहार में विद्रोह के लीडर बने। ही वॉज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। जगदीशपुर के ये जमींदार थे। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे देयर वर अटेम्प्ट्स ऑफ रिवोल्ट्स इन अहमदाबाद हैदराबाद सिंध ATC। साउथ में बात करेंगे तो अहमदाबाद हैदराबाद और सिंध में भी रिवोल्ट अटेम्प्ट किए गए, वहाँ शुरू किए गए। सपरेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब अंग्रेजों ने किस तरीके से इस लड़ाई को खत्म किया या उसको दबाया। द ब्रिटिश वर एम्बुश्ड एट द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के शुरुआत में तो अंग्रेज लोग थोड़ा सा घबरा गए। बट सून रीगेंड मोमेंटम। लेकिन जल्दी ही उनको मोमेंटम मिल गया यानी इसको रोकने का टाइम मिल गया। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन इनिशियल सेटबैक। शुरुआती ढांचे को जानने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, शुरुआती बातों को जानने के बाद, इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन बाय लॉर्ड कैनिंग। तुरंत ही लॉर्ड कैनिंग ने कदम उठाए टू सप्रेस द रिवोल्ट, लड़ाई को दबाने के लिए। ही गैदर्ड द ब्रिटिश फोर्सेज। उसने अंग्रेज सेनाओं को इकट्ठा किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में। एंड टुक हेल्प ऑफ सिख रेजिमेंट, और सिख रेजिमेंट की मदद ली, विच वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश, जो कि अंग्रेजों की विश्वासपात्र थी। 22 सितंबर 1857 द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग दिल्ली। 1857 में सितंबर में अंग्रेज लोग जो हैं वो दिल्ली को अपने ऑक्यूपाई करने में या उसको कब्जा करने में सफल हो गए।